सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि बहुत ही जल्द कुवैत एयरपोर्ट के लिए खुलने के बारे में एक बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि कुवैत के जो अभी एयरपोर्ट के हेड हैं मोहम्मद अल मुतेरी, उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द हमें मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुवैत के अंदर लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है, जिसमें एक महीने का जो कुवैत का घाटा है एयरपोर्ट का, सिर्फ एयरपोर्ट का घाटा है 193 दिनार 193 मिलियन दिनार का घाटा है कुवैत एयरपोर्ट का एक महीने का, जिसको लेकर अल मुतेरी ने कहा है कि हमें बहुत ही जल्द एक मीटिंग करनी चाहिए एयरपोर्ट को खोलने के लिए। उसके लिए कानून लागू कर देना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन के लोग आते हैं उनको एंट्री मिलेगी, पीसीआर सर्टिफिकेट लेके आते हैं उनको एंट्री मिलेगी, और बाकी जो और कोई नए कानून लागू करके और एंट्री शुरू करनी चाहिए, नॉर्मल फ्लाइट वापस शुरू करने चाहिए, ताकि जो एयरपोर्ट का घाटा है हर महीने 193 मिलियन केडी का, वो घाटा बिल्कुल ख़त्म हो, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है खजाने में एयरपोर्ट से पैसे नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना जो स्टाफ होता है कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर, जो सभी एयरप्लेन वगैरह सभी होल्ड किए हुए हैं पड़े हैं, कितना घाटा हो रहा होगा, इसको लेकर अल मुतेरी ने कहा है कि हमको मीटिंग करनी चाहिए, जो बहुत ही जल्द एक मीटिंग की जाएगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि एयरपोर्ट को वापस खोलना चाहिए, थोड़ा सख्ती से कानून लागू करना चाहिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए पीसीआर सर्टिफिकेट और दूसरा जो वैक्सीनेशन या फिर जो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए होते हैं उनको आने दिया जाना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट को शुरू कर दिया जाना चाहिए, सभी लोग एंटर करने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा जो घाटा है वो बराबर निकल सके। तो एक महीने का घाटा है 193 मिलियन केडी एयरपोर्ट खुलने के लिए, बहुत ही अच्छा इशारा है, हो सकता है बहुत ही जल्द फैसला लिया जाए, इसमें मीटिंग की जाएगी जिसमें सभी ये जो मिलके ये फैसला लेंगे कि एयरपोर्ट कब खोलना चाहिए, क्योंकि लगातार इतना घाटा एक साल से ऊपर हो गया है, इतना घाटा होते होते। दूसरी जो बात है कि कुवैत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है इंडिया के लिए, जिसमें एक और नया शिपमेंट भेजा गया जो मुंबई पोर्ट पे उतारा गया, जिसमें 1000 छोटे सिलेंडर भेजे गए ऑक्सीजन के, और दो बड़े टैंक आते हैं वो भेजे गए ऑक्सीजन के, लिक्विड ऑक्सीजन के, और 3 सेमी टैंक भेजे गए लिक्विड ऑक्सीजन के। इतना बड़ा शिपमेंट भेजा गया, और बहुत ही जल्द लगातार मदद के लिए और भी आते रहेंगे इंडिया की मदद के लिए, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खुश हैं इंडिया की मदद करने के लिए, जो फ्रेंडशिप बताई गई है वो बहुत ही मजबूत बताई गई है, और लगातार मदद मिलती रहेगी इंडिया को, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी, ऐसा बताया गया है। तो एयरपोर्ट खुलने के आसार बहुत ही नज़दीकी हैं, अगर मीटिंग में कोई फैसला लिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।